दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है, या आप बोल सकते हैं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव अपडेट है। तो क्या होता था, जब भी आप अपने टैक्स की पेमेंट करते थे, चाहे वो एडवांस टैक्स पे किया हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो, या कोई डिमांड आपकी आई हो उसकी आपने पेमेंट करी हो, तो एक चालान जो है आप फाइल करते थे ऑनलाइन मोड में। तो जब ये आप पेमेंट करते तो वहाँ पर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती थी। वो मिस्टेक क्या हो सकती थी, जैसे कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, आपने कोई असेसमेंट ईयर जो है वो गलत चूज़ कर लिया हो, आपको 23-24 चूज़ करना था, आपने 22-23 कर लिया, या फिर 24-25 कर लिया, या आपने जो मेजर हेड है उसको गलत सिलेक्ट कर लिया, या फिर जो माइनर हेड है पेमेंट का एडवांस टैक्स की जगह सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ कर लिया, सेल्फ असेसमेंट की जगह आपने डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट जो है वो चूज़ कर लिया। तो इस तरीके से कुछ मिस्टेक आप जो है वो कर देते थे, बट उसको अगर आप करेक्ट करना चाहते थे तो किसी भी तरीके का ऑनलाइन मोड अवेलेबल नहीं था उसको करेक्ट करने के लिए। बट अगर अब आप कैसी कुछ गलती करेंगे तो दोस्तों, अब आप उसको जो है ऑनलाइन उस चालान को जो है करेक्शन कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि वो चालान आप जो है कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ये ज़रा ज़रूर देख लीजिए, जो चालान का करेक्शन की अवेलेबिलिटी रहेगी, ये अवेलेबल रहेगा असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड, मींस आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20, या आप बोल सकते हैं आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 या इससे अगले वाले असेसमेंट ईयर जो भी होंगे वो आप जो है करेक्ट कर पाएंगे। बट अगर आपका चालान असेसमेंट ईयर 2020-21 से पहले का है, मींस असेसमेंट ईयर 19-20 का है या उससे पहले है, तो उस केस में फिर आपको असेसिंग ऑफिसर की ज्यूरिडिक्शन में ही जाना होगा और वो करेक्शन करानी होगी। तो चलिए यहाँ हम समझ लेते हैं कि आप जो है ऑनलाइन मोड में इस चालान को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ। जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो विंडो नज़र आ जाएगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो ये सर्विसेज़ वाला टैब आपको नज़र आ रहा है, सर्विसेज़ वाले टैब पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, चालान करेक्शन। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों अभी आपको नज़र आने वाला है, पहले ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि अब ये जो नया ऑप्शन है वो अपडेट कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको क्या है, चालान करेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही चालान करेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो रेज करनी होगी। तो ये जो देखिए क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट जो है आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यही मैंने वहाँ पर थंबनेल में यूज़ किया हुआ था, चालान पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स ओनली इज अवेलेबल फॉर करेक्शन थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल, काइंडली अप्रोच ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर फॉर चालान करेक्शन पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर। मीन्स असेसमेंट ईयर 2020-21 से पहले जो भी असेसमेंट ईयर होगा, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है आपके चालान के अंदर, उसको करेक्शन कराना आप चाहते हैं, तो फिर आपको उसके जो भी ज्यूरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर है उसके पास ही जाना होगा। अब देखिए जो आप चालान जमा कराते हैं उसके अंदर तीन तरीके की मिस्टेक आपसे हो सकती हैं, या तो आपने असेसमेंट ईयर गलत चूज़ कर लिया होगा, या आपने असेसमेंट ईयर अगर सही चूज़ किया होगा तो हो सकता है जो पेमेंट का मेजर हेड है वो आप गलत चूज़ कर लें। तो ये सारा ही मैं अभी आपको आगे जो चालान है एक जमा करके दिखाऊंगा उसके अंदर ये सारी ही चीज़ें जो है डिटेल में बताऊंगा। या इसी तरीके से आपने क्या हो सकता है, जो माइनर हेड है वो गलत चूज़ कर लिया है। तो माइनर हेड क्या होता है, तो देखिए यहाँ नोट में ये बताया गया है, चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर माइनर हेड 100 एडवांस टैक्स। तो जो वहाँ पे आप जब सिलेक्ट करते हैं पेमेंट, अगर आपने एडवांस टैक्स पे करना होता है तो आप 100 जो है वो माइनर हेड चूज़ कर लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट के लिए 300 यूज़ कर लेते हैं, और डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट के लिए आप 400 जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये तीन तरीके की पेमेंट के माइनर हेड आप चूज़ करते हैं, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड डिमांड पेमेंट अगेंस्ट रेगुलर असेसमेंट। तो ये तीन जो है अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो आप उसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। सपोज आपने एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना था बट आपने जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो चूज़ कर लिया। इसी तरीके से अगर आपने 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करनी थी तो आपने 400 चूज़ कर लिया। तो ये गलतियाँ जो हैं चालान के जमा कराते हुए जनरली लोगों से हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होने वाली मिस्टेक है वो असेसमेंट ईयर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उनको 24-25 चूज़ करना है तो वो 23-24 चूज़ कर लेते हैं, या 23-24 चूज़ करना है तो 24-25 चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपकी यहीं पर होती हैं। उसके बाद जो मिस्टेक हो जाती हैं वो माइनर हेड को लेकर भी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही था, एडवांस टैक्स की जगह सेल्फ असेसमेंट चूज़ कर लेते हैं, और सेल्फ असेसमेंट की जगह आप डिमांड पेमेंट अगेंस्ट रेगुलर असेसमेंट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से कई बार गलती आप मेजर हेड की सिलेक्शन में भी कर देते हैं। तो आपको केवल वही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है जहाँ पे आपने गलती की है। सपोज अगर आपने असेसमेंट ईयर गलत चूज़ कर लिया तो आप इसको सिलेक्ट कर लें क्योंकि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आपने असेसमेंट ईयर सही सही चूज़ किया है तो फिर आप इस पर टिक नहीं करेंगे,
केवल वही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे जो आपने गलती करी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको तीनों ही ऑप्शन चूज़ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपके सिखाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। बट आप यहाँ पर केवल वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जो आपने गलती की है। अगर आपने असेसमेंट ईयर सही चूज़ किया है तो आप असेसमेंट ईयर का ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ करें अगर आपने माइनर हेड गलत चूज़ कर लिया था, आपको एडवांस टैक्स पे करना था और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ कर लिया था, तो केवल आप यही वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर मेजर हेड में गलती थी तो मेजर हेड चूज़ कर लेंगे। बट मैं तीनों ही चूज़ कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर पूछेगा, या फिर आप सिन नंबर भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं जो आपने चलान की रिक्वेस्ट जो है वो जो चलान करेक्शन की रिक्वेस्ट जो आप रेज कर रहे हैं, मीन्स जो आपने ओरिजिनल चलान पे किया था उसके अंदर एक सिन नंबर आता है, वो सिन नंबर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, या वो जो चलान आपने जनरेट किया था वो किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड था वो आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। तो सपोज़ पहले आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर लें, तो असेसमेंट ईयर में देखिए आपको यहाँ असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड नज़र आ जाएंगे। तो 2021, 2022, 2023, 2024 और 2024-25, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो 2021 से पहले असेसमेंट ईयर होंगे वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑनलाइन करेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो सपोज़ करें यहाँ मैं 2023-24 चूज़ कर लेता हूँ, या फिर आप सिन नंबर भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये सिन नंबर, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सिन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो ये सिन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो चलिए वो चलान मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब आप कोई पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या डिमांड एज़ पर रेगुलर असेसमेंट, तो आपको कुछ इस तरीके से चलान जो है जनरेट हो जाता है। यहाँ आपका पैन नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, असेसमेंट ईयर 2023-24 आ गया, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब देखिए मेजर हेड, तो मेजर हेड देखिए इसमें जो पेमेंट करने वाला पर्सन है वो अदर देन कंपनीज है, तो मेजर हेड यहाँ पे अदर देन कंपनीज का 0021 होता है। इसी तरीके से माइनर हेड जो है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, 10 रुपये की अमाउंट है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिन नंबर आपको मिल जाएगा, तो ये सिन नंबर भी आप वहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सिन नंबर भी एंटर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2023-24। अब आप इसको जो है कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको दो तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आपका इस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड किसी भी तरीके का चलान अनकंज्यूम नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज वो दिखा देगा। और दूसरे केस में क्या होगा, आपने जो चलान जमा कराया है अगर वो आपका जो है कंज्यूम हो चुका है और वो गलत है, तो फिर उस केस में देखिए आपको कुछ इस तरीके से विंडो आपको नज़र आ जाएगी कि आपको जो चलान है ये करेक्शन करना है। तो आपको जो भी ये चलान है दोस्तों, ये आपको यहाँ चलान नंबर नज़र आ जाएगा, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, उसके बाद देखिए इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको चलान की पूरी डिटेल नज़र आ गई। आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। अब देखिए एग्जिस्टिंग चलान डिटेल आपकी नज़र आ गई, असेसमेंट ईयर 2023-24, क्योंकि यहाँ मैंने तीनों ही ऑप्शन चूज़ कर लिए थे तो मुझे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए नज़र आ गए हैं। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 मैंने चूज़ किया था, टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड भी मैंने चूज़ किया था और टाइप ऑफ पेमेंट भी मैंने चूज़ किया था। तो मैंने जो यहाँ पे चूज़ किया था वो माइनर हेड में सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ किया था। मैं मान के चलूँगा कि जो मुझे सेल्फ असेसमेंट चूज़ नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से मुझे यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 0021 मेजर हेड जो चूज़ किया इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, ये मुझे चूज़ नहीं करना चाहिए था। असेसमेंट ईयर भी मुझे 2023-24 चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ मुझे अब अपडेट करना पड़ेगा इस चलान को, मींस जो भी करेक्ट असेसमेंट ईयर होगा या करेक्ट मेजर हेड होगा या जो करेक्ट माइनर हेड होगा वो मुझे अब चूज़ करना है। तो चलिए असेसमेंट ईयर में सबसे पहले मैं 2022-23 चूज़ कर लेता हूँ, तो असेसमेंट ईयर 2023-24 की जगह मैंने 2022-23 चूज़ कर लिया। अब इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, मींस मेजर हेड मैंने 0021 चूज़ किया था, मुझे गिफ्ट टैक्स चूज़ करना चाहिए था मैं सपोज करता हूँ, तो मैं गिफ्ट टैक्स चूज़ कर लेता हूँ। और इसी तरीके से जो सेल्फ असेसमेंट मैंने चूज़ किया 300 माइनर हेड, ये मुझे माइनर हेड 300 चूज़ नहीं करना चाहिए था। मैंने जो पेमेंट करी थी ये आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करी थी रेगुलर असेसमेंट टैक्स की, जो जिसका कोड है 400, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो भी आपने यहाँ एग्जिस्टिंग चलान फिल किया था उसके अगेंस्ट जो भी आपकी करेक्शन है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको तीन ही चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जहाँ पे आपने गलती की है, चाहे वो असेसमेंट ईयर हो या फिर वो मेजर हेड हो या फिर वो माइनर हेड हो। तो उसके बाद जब आप ये सारे ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे या कोई भी जो भी ऑप्शन आपका गलत है वो आप करेक्ट कर देंगे, तो आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा मोबाइल के ऊपर, उस OTP को फिल कर देंगे और आपकी जो चलान करेक्शन की डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है, एक पॉजिटिव जो ऑप्शन है वो टैक्स पेयर्स के लिए वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो आप भी अगर कोई चलान की पेमेंट करते हैं और गलती हो जाती है आपसे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको इजीली ही इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।